अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज देखिए, सिगरेट छोड़ने के लिए दवा बताती मेरी बच्ची। देखिए फिर से ये मेरे तुलसी के झाड़ कने बैठे। नहीं छोटी जान, इधर देखो छोटी जान। अम्मा देखो बोले तो देखते जी, इसको सब होशियारगी है, सब मालूम वगैरह चल रही बोल के खाली बोल लिए तो समझ गया उन्हें। हाँ तुलसी से फ़ायदा है बोल के मेरी बिल्ली को बोलने नहीं आता, मगर सब समझती मेरी बच्ची। नहीं बेटा, और जो है सो सिगरेट छोड़ने के लिए ये देखिए, ये चने खाइए ऐसे मोल के आए सो, ये मूंग खाइए ऐसे मोल के आए सो। ये मैं बनाई घर में, सारा दिन भिगाना है, रात में छान के डाब के रख देना है, तो गरम रखना ये लोगों को, तो सुबह तक का ऐसे मोल के आ जाते। इसमें ज़्यादा ताकत है, इसमें विटामिन सी मिलती है अपने को, बालों के लिए अच्छा है ये। ये है मेरा नाश्ता, इसको मैं फ्राई करी, नमक डाली, काली मिर्ची डाली, थोड़ा चाट मसाला डाली, इसके बाद कच्ची प्याज करिया पाक डाली। आज मेरे पास कोथमीर पुदीना नहीं है, हरी मिर्ची भी काट के डाल ले सकते। ये कीरा खाइए इसके साथ नमक लगा के। ये मेरा चाय अर्जुन का छाल का, बस ये मेरा नाश्ता है। ये कच्चा भी खा सकते, बहुत टेस्टी रहता, मगर कच्चा हजम नहीं होगा आपको। कई को बोले तो कच्चा जो खाए तो गैसेस हो जाते, ऐसा थोड़ा फ्राई करके खाना है। इसका सलाद भी बनता है ऐसा। और जो है सो जो भी सिगरेट फिरे, देखिए एक आप 10-15 फिरे तो रोज़ एक छोड़िए, एक दिन 9 पीजिए, एक दिन 8 पीजिए, एक दिन ऐसा ऐसा कम करते जाइए। उसके बाद जो है सो फिर मेरे चाय ठंडी हो रही, मैं पी के अब भी बताती। आप पहले तो दिल में ठान लीजिए, कोई बात अपन नहीं ठान लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुरान खोल के पढ़िए, कुरान में क्या लिखा हुआ है, क्या अच्छा करना क्या बुरा करना। हर वो निशा चीज़ हराम है, हदीस में है, मैं पढ़ रही हूँ ना, मालूम हो रहा मेरे को। तो जब उस ज़माने में हराम बोल के ऊपर से आवाज़ आए तो शराब के पहले ज़माने में भी बहुत था शराबी, खाली ऊपर से आवाज़ आए तो शराब हराम है बोले तो ऐसे कुंडे कुंडे हुंडल दिए गए थे, ड्रमा ड्रमा बना के रख लिए सो अल्लाह की हुक्म है बोल के, पूरे नदियों का जैसा बह रहे थे कहते शराब। तो हराम है ना, आप हदीसम पढ़िए, कुरान पढ़िए जब मालूम होता, मैं बोलने से कुछ भी नहीं है, आप लोग पढ़िए आपको मालूम होता। देखिए जो भी सिगरेट पी रहे ऐसा 10 पी रहे तो रोज़ 10 में से एक निकाले, 9 पीजिए एक दिन छोड़ के, 8 पीजिए, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1 के बाद 0, उसके बाद लास्ट दिन 0 कर दीजिए। और ये मिसाल मेरे को मैडम मदरसे में दिए थे, एक राजा रहता, तो राजा बोलते कहते एक बच्चे को, छोटा मुसलमान बच्चे को, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है बोले तो बच्चा ऐसे लिख के बताते कहते, ये देखो एक के 10 के बाद 9 आता, 8 आता, 7, 6 ऐसा आते नंबर्स पूरे, उसके बाद 1 आता, उसके बाद 0, तो हमारा अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है, ऊपर अब एक भगवान नहीं है, कोई नहीं है, अल्लाह सिवाय कोई नहीं है, ऊपर लास्ट अल्लाह है। तो ये पूरे बाद में अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, इसका मीनिंग। फिर बच्चे को बोलते कहते तुम्हारा अल्लाह किधर देख रहे, अब देखो बोलो मेरे को। तो बोलते कहते बच्चा ये मोमबत्ती लगाइए, बोलता हूँ बोले कहते मोमबत्ती लगाते कहते राजा, ये मोमबत्ती रोशनी किधर जा रही देखिए आप, तो चौ तरफ दे रही रोशनी, तो मेरी अल्लाह भी वैसी चौ तरफ देख रहे, तुम्हारे को देख रहे अल्लाह, मेरे को देख रहे, पूरी दुनिया पूरी कायनात को देख रहे, पूरी कायनात को पालने वाला अल्लाह है। तो उस अल्लाह की बात नहीं मानते अपन। सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, दिल में टान लीजिए, गुनाह है सिगरेट पीना जो है सो। और जो है सो आप तुम्हारे अल्लाह क्या कर रहे। तो बच्चा बोलता कहते राजा को, आप जरा एक मिनट उठिए राजा, राजा जी बोले तो राजा उठते कहते कुर्सी पे से, जाके कुर्सी पे बैठ जाते कहते छोटा बच्चा, तो ये कर रहे मेरे अल्लाह, तुम्हारे को उठाया मेरे को बिठाया,
तो देखिए उस छोटा बच्चों का ने भी इतना होशियार की, बड़ों का ने नहीं है। अल्लाह लौट जाओ नमाज के तरफ, अल्लाह के तरफ। सिगरेट छोड़ना मुश्किल काम नहीं है। अपने बीवी को माँ को तकलीफ मत दीजिए। आप लोग बीवी को तकलीफ होती, माँ को तकलीफ होती, और वो धुआं से लंग्स ख़राब होते। अपने बीवी को या अड़ोस पड़ोस से किसी को तकलीफ हुआ तो कितनी बुरी बात है। यहाँ पर भी फ्लैट्स में ऊपर वाले पीते, नीचे वाले पीते, स्मेल आते रहते। अल्लाह बर्दाश्त करने की ताकत दो सबको, हमको जो है सो वैसा। किसी को अपने तरफ से किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ को हो गया उनको, तो अपन किसी को मर्डर कर सकते? देखते देखते जानते नहीं कर सकते ना। तो अपने तरफ से अपने धुओं से किसी के कुछ हो गया खुदा ना के वास्ते, तो वो आपको बहुत बड़ा गुनाह है, एक मर्डर करे जैसे से गुनाह है। तो आप सिगरेट आप ठान लीजिए नहीं पीना बोल के। शराब सिगरेट पीना बहुत बड़ी काम नहीं है, आसान है। आजकल अब शो पहले थोड़े दिन पहले बीवियाँ लड़ते थे शराब नहीं पीना नहीं पीना बोल के, अब शोहर नहीं सुन रहे थे, बीवियाँ भी बेचारे मिल के कंपनी दे रहे पी ले रहे। बहुत लोगों को मैं लेडीज़ को भी देखी सिगरेट पीने का। अल्लाह बचाओ, सबको हिदायत दो, हमको हिदायत दो। ये छे मेरा नाश्ता, देखे ना इसको थोड़ा फ्राई करी में, ये कच्चा भी खा सकते मगर गैसेस हो जाते। ये विटामिन सी मिलता है इसमें, बालों के लिए भी अच्छा है ये। अच्छा नहीं भी खाए तो मोशन आता, थोड़ा बच्चे समझते खाने के वास्ते मोशन आना ना, मोशन आने को सिगरेट पीते, खाने के बाद एक सिगरेट पीते, खाना हजम होने को कहते। अल्लाह बचाओ। वैसा सिगरेट याद आए तो ये अश्वगंधा बोलते, देखिए ये उलटी अदवा सस का नहीं मिलती, ये सिगरेट के जैसी छह, देखिए मुंह में रख लीजिए। ये देखिए ये तोड़ तोड़ के मैं खाते रहती, खांसी के लिए अच्छा है ये। इसका पाउडर भी मिलता, डिकॉशन भी बना के पी सकते। ये देखिए निकल रहे यहाँ से। जब भी सिगरेट याद आए तो ये जेब में रख लीजिए बच्चे, थोड़ा कतर के मुँह में डाल लीजिए, या चकला खाइए, ये भी अच्छा है। ये भी खाए तो सिगरेट की थोड़ा तलब चले जाती इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ी मेरी बातों को गौर करिए। मैं किसी को बड़ों को बच्चों को गलत बोले तो माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों के अच्छे के लिए बोल रही हूँ बेटा। कोई भी माँ बीवी नहीं चाहते कि हमारे आदमी ख़राब हो, हमारा शोहर ख़राब हो, हमारा बेटा ख़राब हो, सब अच्छे ही चाहते। और जो है सो अपन माँ यहाँ भी जाके दूसरे दोस्तों कने अड़ोस पड़ोस कने बोलते मेरा बच्चा ऐसा पी रहा ऐसा पी रहा, ऐसा बोलने से अच्छा डायरेक्ट अल्लाह को बोलिए ना। अड़ोस पड़ोस दोस्त अपने साथ नहीं देते, अपने हल वो नहीं करते, अल्लाह हल वो करते। अल्लाह मेरा बच्चे को एक दिन सिरात अल मुस्तकीम पे चलाओ बोल के अल्लाह से दुआ करिए ना। वो मिसाल है, देखिए डोल जाके डपलू को बोली कहते, डपलू आके डोल को बोले कहते मेरे खूब बजा रहे मेरे खूब बजा रहे। तो वैसा मेरा बेटा भी वैसे, तुम्हारा बेटा वैसे, एक दूसरे को बोलने से कुछ भी हल नहीं होता। अल्लाह को बोलिए, अल्लाह सब बच्चों को हिदायत दो, सेहत दियो। मेरे बातों पे गौर करिए इंशाल्लाह। सिगरेट छोड़ने को शराब छोड़ने को कोशिश करिए। शराब बोले तो याद है, शराब न्यू ईयर के दिन पेपर में आया था कि बेंगलुरु में 8 करोड़ का फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को। तब गवर्नमेंट तो खुश है, नुकसान किसको, अपन पब्लिक को। पी के गाड़ियाँ चला रहे कितने के हो गए हादसे, हैदराबाद कमी नहीं है। हैदराबाद वाले भी 7 करोड़ कमाए करते न्यू ईयर के दिन, न्यू ईयर बनाने। न्यू ईयर मुसलमान भी नहीं बनाना है मगर बनाने निकल जा रहे, गुनाह है वो। फुल पी ले के गाड़ियाँ चला रहे, कितने हादसा हो रहे। कौन हुआ अजहरुद्दीन का बेटा कैसा हो, अल्लाह जन्नत नसीब करो। अल्लाह सबके बच्चों को हिदायत दो, हल्लू चलाओ बच्चे गाड़े, ऐसे तेज चलाते सबके आदमियाँ, सबके बच्चों को अल्लाह हिफाजत करो। तुम मेरा बच्चों को मेरा आदमी की हिफाजत करो। देखिए मैं किसी को तकलीफ देने की बात करे तो माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश करिए, ये खाते रहिए। ये मोशन भी आता, ये आप चने खाएंगे ये खाएंगे तो मोशन आता आपको, बराबर आता। ये खाते कि 1 घंटे को आता, मैं खुद आजमाती हूँ। मोशन आने की बहुत चीज़ें हैं, और दवा सस्कन पूछिए ना।
सिगरेट पिए तो आना बोल के नहीं है, सिगरेट एक गंदा चीज़ है वो गलीज। अल्लाह हिदायत दो सबको हमको। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।